मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिफिकेशन में फाइलम एस्केलमेंथिस के बारे में पढ़ेंगे। इनको प्राय एस्केरिस भी कहा जाता है, राउंड बर्म के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ करेंगे इनमें बात की, पहला पॉइंट है मोस्टली एक्वेटिक, फ्री लिविंग और पैरासाइट। तीनों प्रकार के हैं, पानी में रहते हैं, फ्री रहते हैं और कुछ पैरासाइट भी रहते हैं। स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, बॉडी सिलेंडर शेप्ड रहती है, इनको राउंड वर्म भी कहा जाता है। और ये छोटे छोटे सेगमेंटेड में भी कुछ के बॉडी डिवाइडेड रहती है। ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी शरीर में ऑर्गन पाए जाते हैं। बॉडी सूडोसिलोम है, यानी इनके दो प्रकार के लेयर हैं, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। और म्यूजोडर्म के जो है वो छोटे छोटे पाउच बने हैं, इसलिए इसको एक्टो और ये एंडो क्या कहते हैं, हम सीडोसिलोम कहा जाता है इसको। डाइजेस्टिव कैनाल कंप्लीट रहती है और किसी प्रकार का सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल और होस्ट फॉर देयर फूड। फूड के लिए ये होस्ट पर निर्भर रहते हैं, पैरासाइट है, तो इनमें सर्कुलेटरी और रेस्पिरेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं पाया जाता। डायोसियस रहते हैं, फीमेल जो है वो बड़ी होती है और मेल का जो सिरा रहता है, आखिरी सिरा, इस तरह से ये मुड़ा हुआ रहता है। ये पहचान है मेल और फीमेल की। डायोसिस का मतलब रहता है दो रूप रहते हैं अलग अलग, मेल अलग और फीमेल अलग। एग्जाम्पल है एस्केरिस, इसे राउंड बर्म के नाम से जाना जाता है, एस्केरियासिस नाम का रोग। दूसरा है बुचरेरिया, बैंक्रॉप्टी, एलिफेंटियासिस नाम का रोग इसके कारण होता है, हाथी पाँव रोग भी इसको कहते हैं। और तीसरा है हुक बर्म, जिसे हम इंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल भी कहते हैं। तो ये फाइलम एस्केलमेंथिस हुआ। इसके बाद है फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में जो हैं अधिकतर सदस्य जो है वो अर्थवर्म कहलाते हैं, नेरिस, अर्थवर्म ये इसका, और लीच, ये इनके एग्जांपल हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है ये एक्वेटिक होते हैं, कुछ ज़मीन में भी रहते हैं और कुछ जो है वो पैरासाइट के रूप में दूसरे इंडिविजुअल के शरीर के अंदर भी रहते हैं। बॉडी लंबी रहती है, बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल रहती है, यानी बॉडी को बीच में से यदि हम काटना चाहें तो दो बराबर भागों में काट सकते हैं, तो ये बायलेट्रल सिमेट्रिकल कहलाती है। ट्रिपलोब्लास्टिक, यानी बॉडी पूरी तरह से एक्टो, मीजो और एंडो, एक्टो मीजो और एंडोडर्म से बनी रहती है, इसलिए इसको ट्रिपलोब्लास्टिक कहते हैं। सीलोम कंप्लीट बन चुके हैं, इसलिए ट्रू सीलोमेट एनिमल हैं। और इनका सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है। यदि आप अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म पूरा जो शरीर है अर्थवर्म का, कितने भागों में विभाजित है, कम से कम 100 छोटे छोटे मेटामर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 100। तो फ्रॉम माउथ टू एनस ये पूरे के पूरे डिवाइड रहते हैं, इनको हम मेटामर्स बोलते हैं और इस घटना को मेटामेरिज्म कहा जाता है। तो ये मेटामर है और ये मेटामेरिज्म किस में पाई जाती है, केंचुए में पाई जाती है अर्थवर्म में, इसलिए इसको एनिलिड कहते हैं। इसमें मसल्स पाई जाती है, डर्मो मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये मसल्स क्या करती हैं, ये मसल्स केंचुए को आगे पीछे बढ़ने में मदद करती हैं। तो सर्कुलर मसल्स किस तरह से रिंग्स रहते हैं और वो केंचुए को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने में मदद करते हैं। इसमें लोकोमोशन के लिए छोटे छोटे ऑर्गन पाए जाते हैं जिनका नाम है सीटी, और इनको चीटी भी बोलते हैं। तो सीटी का काम क्या है, लोकोमोशन का है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट और कॉम्प्लेक्स रहता है, कंप्लीट रहता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब रहता है कि इनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लड जो है बहता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनमें ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि प्लाज्मा में घुला रहता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब रहता है एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ ऑर्गन पाए जाते हैं मेल और फीमेल, इसलिए इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, हिरुडीनिया, हिरुडीनिया मतलब होता है लीच, ठीक है, साइपन कुली, और फिर है आपका अर्थवर्म, ठीक है। तो ये सब इसके फाइलम एनिलिडा के सदस्य हैं। इसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में आप देखेंगे तो और बॉडी कैसी बनी है, ऑर्गन सिस्टम से बनी है, यानी अब ऑर्गन
पहले टिश्यू लेवल का था सीलेंट्रिट्स में, फिर ऑर्गन बने, अब ऑर्गन सिस्टम बन गए। दूसरा है बॉडी बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, दो भाग बराबर बीच में से कट जाती है, मेटामेरिकल सेगमेंटेड रहती है, हेड थोरेक्स और लेग तीन हिस्सों में बॉडी बटी रहती है। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है पैर, तो इनमें पैर कैसे हैं, जॉइंटेड हैं, इसलिए इसको आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग वाले एनिमल कहते हैं। इनका एक्सोस्केलेटन यदि आप देखेंगे तो जो कॉकरोच है उसका पूरा शरीर जो है वो एक्सोस्केलेटन बहुत सॉलिड काइटिन का बना रहता है, काइटिनस क्यूटिकल का, ठीक है, और समय समय पर इसको वो झड़ भी जाता है, जैसे सांप कैचुली निकालता है, उस घटना को एक्डाइसिस कहते हैं। बॉडी हेड थोरेक्स और एब्डोमेन तीन हिस्सों में बटी रहती है, और इनमें सीलोम जो है ट्रू रहती है, एक्टो मीजो और एंडोडर्म तीनों से मिलकर बनी होती रहती है, और ब्लड फिल्ड जो है वो हीमोसील यानी पूरी बॉडी के अंदर, देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसलिए ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर भरा रहता है, जैसे बैलून में पानी है ना, इसी तरह इसमें ब्लड भरा रहता है। रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी सरफेस के द्वारा, गिल्स के द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा और बुक लंग्स के द्वारा होता है, अलग अलग सदस्यों में अलग अलग तरीके से होगा। सेक्स अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल सेपरेट रहते हैं, और डेवलपमेंट कुछ कुछ में डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है नो लार्वा, कोई लार्वा यदि नहीं है तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है, और यदि लार्वा प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें दोनों प्रकार का पाया जाता है, यानी कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें कोई लार्वा नहीं है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, और कुछ में लार्वा भी पाए जाते हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं इसमें जिनमें पार्थिनोजेंस पाई जाती है, जैसे कि हनी बी, तो हनी बी में जो ड्रोन है वो किसका बना होता है, ये अनफर्टिलाइज एग से बना होता है ना। पेरेंटल केयर इनमें पाई जाती है, बच्चों की देखभाल करते हैं। एग्जाम्पल है इसके हनी बी जिसमें कि पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है, लैक इंसेक्ट जिसमें शरीर से लाख प्राप्त होती है, बटरफ्लाई, चींटी, कॉकरोच, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसके बाद मोलस्का और इकानोडर्मेटा, ये हम कल